उजेंड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर हंड्रेड मीटर ठीक है तो अब चूंकि यहाँ पे किलोमीटर के साथ ही डील करें इसलिए हम इसको किलोमीटर की फॉर्म में रखते हैं ठीक है तो वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर होते हैं हमने मालूम हमने एक ग्राफ ड्रा करना है जो कि वन मील और किलोमीटर को यहाँ पे कंपेरिजन में लेके आएगा ठीक है अब अगर आप देखें तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ पेपर मौजूद है जो कि ग्राफ क्या है एक पेज के ऊपर एक सफे के ऊपर अगर आप एक वर्टिकल लाइन लगा दें ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगाएं और एक राइट right से लेफ्ट एक स्ट्रेट लाइन लगाएं जो कि 90 डिग्री के एंगल पे यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री के जाविये पे एक दूसरे को कट करे तो वो हमारे पास एक प्लेन बनेगा जिसके अंदर दो डायमेंशन एक उसकी लेंथ होती है और एक उसकी ब्रेथ होती है और लेंथ के अपोजिट जो होगी वो नेगेटिव में लेंथ ली जाएगी और ब्रेथ के जो अपोजिट जिसको हम डेप्थ कह रहे हैं वो नेगेटिव में ली जाएगी और मैथ्स के टर्म में या कोऑर्डिनेट्स की टर्म में हम इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे और ये फिर एक्स प्राइम हो जाएगा नेगेटिव एक्सिस एक्सिस ये अगर एकस है है यानी जो ब्रेथ है हमारे पास वो वाई एक्सिस है तो जो डेप्थ है वो वाई प्राइम एक्सिस हो जाएगी ठीक है अब अगर आप देखें तो इसके ऊपर हमें हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म वो जो है वो जो है वो हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं ऑर्डर पेयर से मुराद क्या हमारी अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट पी प्लॉट करता हूँ तो पी का मतलब ये है कि एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी कुछ फासला इसने तय किया

उसको ड्रॉ करने के लिए ठीक है अब वो ऑर्डर किस तरह से मालूम किए जाएंगे हम यहाँ पे देखते हैं जी कि अगर इक्वल किलोमीटर तो मैं देखता हूँ एक्स तो यहां पे फिर आपने देखना है जी वाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हमारे पास किलोमीटर को और एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हमारे पास माइल्स को यानी अगर आप देखें तो एक किलोमीटर जो है वो 1.6 पॉइंट सिक्स टाइम्स ऑफ माइल्स है यानी अगर माइल यहाँ पे वन वन होगा तो एक किलोमीटर वन पॉइंट सिक्स एक, एक जो एक माइल एक मील है वो एक छ किलोमीटर के बराबर हो जाएगा फिर अगर यहाँ पे एक्स जगह दो रखेंगे तो दो मील जो है वो मल्टीप्लाई बाय पॉइंट सिक्स होके हमें किलोमीटर दे देंगे ठीक है तो अब इसका मतलब है हमें कुछ ऑर्डर पे चाहिए अगर हम ऑर्डर पे किस तरह से मालूम करेंगे यहाँ पे हम एक्स लिखते हैं और यहाँ पे हम वाई लिख देते हैं ठीक है आप देखें आप कि अगर एक्स जो है वो जीरो रखा जाए तो वाई कितना हो जाएगा वाई इज एक टू वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय जीरो तो वो जीरो ही हो जाएगा ठीक है इसी तरह से अगर आप एक्स वन रखते हैं ठीक है तो वाई वन मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय वाई वन पॉइंट सिक्स ही हो जाएगा अगर आप एक्स टू रखेंगे तो वन सॉरी यहाँ पे टू ही लिखना था मैंने एक्स टू रखते हैं तो वाई वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू ये कितना हो जाएगा आप पे इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 3.2 ठीक है इसी तरह y अगर, और इसी तरह से अगर आप x जो है वो 4 हैं, तो y कितना जाएगा? .4. कैसे आप सिर्फ जो 4 है उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास ऑर्डर पेज आ चुके हैं यानी अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर पेज की फॉर्म इनको लिख लूँ तो पॉइंट पी वन हमारे पास है जी जीरो जीरो पॉइंट पी टू हमारे पास है वन और वन पॉइंट सिक्स और पॉइंट पी थ्री हमारे पास है टू थ्री पॉइंट टू यानी जब माइल्स टू हों तो किलोमीटर थ्री पॉइंट थ्री होंगे जब फासला जो है वो माइल्स के अंदर थ्री हो तो किलोमीटर के अंदर वो फोर पॉइंट एट किलोमीटर के बराबर होगा और जब फासला पॉइंट के माइल्स के अंदर फोर मील हो तो वो किलोमीटर के अंदर सिक्स पॉइंट फोर किलोमीटर होगा ये हमारे पास ऑर्डर हैं इनको देखते हम यहाँ पे ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे इसका तो यहाँ पे एक और जरूरी बात जो है वो एक्स, चले मैं यहां पे में एक्स हमने को ले लिया अब आप जानते हैं कि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास माइल्स को तो ये हमारे पास क्या है जी माइल्स ठीक है और अलॉन्ग वाई एक्सिस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको किलोमीटर को तो ये हमारे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं किलोमीटर ठीक है अब चूंकि यूनिट हमारे पास बड़ा स्मॉल है अगर आप यहां पे देखें तो यूनिट हमारे पास बड़ा स्मॉल है यानी टू टू, टू थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट में भी है तो ये छोटे छोटे नंबर हैं तो इसलिए हम स्केलिंग का सहारा लेंगे आमतौर पर ये होता है कि ग्राफ के अंदर ये जो स्मॉल बॉक्स है ठीक है ये जो स्मॉल बॉक्स है यानी अगर मैं यहाँ पे इसको मैं लाइंस के साथ लिखता हूँ ये जो स्मॉल बॉक्स है ये लॉन्ग एक्स एक्सिस भी वन यूनिट को रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग वाई एक्सिस भी वन यूनिट को रिप्रेजेंट करता है ठीक है लेकिन यहाँ पे हम स्केलिंग का सहारा लेंगे स्केलिंग क्या है कि हम ग्राफ को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए हम बोलेंगे बड़ा थोड़ा बनाने के लिए हम बोलेंगे या एक्यूरेट बनाने के लिए हम बोलेंगे जो दो स्मॉल बॉक्स हुए वो रिप्रेजेंट करें वन माइल को इसी तरह फिर दो स्मॉल और बॉक्स हो जाएंगे टू माइल्स फिर दो स्मॉल और बॉक्स लिए जाएंगे तो थ्री माइल्स और दो स्मॉल और बॉक्स ले जाएंगे तो फोर माइल्स इसी तरह से यहां पे अगर आप देखें तो दो स्मॉल बॉक्स जो वो किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे फिर दो स्मॉल बॉक्स किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे सॉरी टू uh, को ठीक है फिर दो स्मॉल बॉक्स जो है वो थ्री किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे और और दो स्मॉल बॉक्स जो है वो फोर को रिप्रेजेंट करेंगे और फर्दर अगर आप दो स्मॉल बॉक्स ड्रॉ करते हैं तो वो फाइव को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो माइल्स को रिप्रेजेंट करें अब यहाँ पे अगर आप देखें एक और इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमें पॉइंट्स में है, है? आप देखें तो मैं mention करूंगा जब एक्स जब, जब जब जो है आपका मील भी जीरो है तो आपका उस वक्त जो है किलोमीटर वो भी जीरो है तो वो ओरिजिन पे आ जाएगा ये हमारे पास पॉइंट पी वन है सिर्फ मैं पॉइंट पी वन पी टू लिखूंगा ठीक है इसी तरह पॉइंट पी टू जब एक्स आपका यानी एक मील हो तो उसके अगेंस्ट किलोमीटर कितने 1.6 यहाँ पे 1 मील और ये 1.6 है यहां पे तकरीबन आ जाएगा 1.5 यहाँ पे आएगा जो कि बिकॉज़ टू स्मॉल बॉक्सेस 1 के, uh, के इक्वल हैं तो हाफ जो एक बॉक्स है वो हाफ के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 1.5 और थोड़ा सा यहाँ पे करके हमारे पास आ जाएगा 1.6 इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये जी और 1 और 1.6 को ठीक है इसी तरह से ये पॉइंट है हमारे पास P1 इसी तरह से P2 को देखें तो P2 टू हमारे पास 2 जब माइल्स टू हो तो किलोमीटर 3.3 पॉइंट थ्री है ये माइल 2 है ठीक है तो 3.3 पॉइंट यहां से आगे स्टार्ट होगा 3.3 पॉइंट थ्री तकरीबन यहां पर आ जाएगा ठीक है 3.3 तो ये है जी जब 3 होंगे जब सॉरी यहाँ पे हमारे पास है जी जब माइल्स हमारे पास 2 हैं तो किलोमीटर 3. कितने हैं 3. पॉइंट थ्री uh, यहाँ पे हमने लिख दिया थ्री पॉइंट थ्री ठीक है बल्कि हमारे पास ये कितना था वन थ्री पॉइंट टू था हमने यहाँ पे मिस्टेक की है इसको हम करेक्ट करते हैं ये थ्री पॉइंट टू है ठीक है बल्कि पहले हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं ये थ्री पॉइंट इसको टू लिखते हैं ठीक है चूंकि हमें ये पॉइंट पी टू जो है वो यहाँ पे पता चला कि वो थ्री पॉइंट टू था तो इसलिए हम यहाँ पे इसको इस अपनी मिस्टेक को जो है वो रिमूव करते हैं और इसको 3.2 लिखते हैं जो कि हमने यहां से देख के लिखा था ठीक है 3.2 इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं पॉइंट पी टू लिख लिया पॉइंट पी थ्री भी लिख लेते हैं जी पी थ्री हमारे पास आ गया अगर जो है पी वन पी टू सॉरी P3 हमने लिख लिया P3 था हमारे पास ये ये हमारे पास पॉइंट पी है और अभी पी फोर लिखते हैं पी फोर है अगर माइल थ्री हो तो उसके अगेंस्ट किलोमीटर कितने तो फाइव के बिल्कुल थ्री के उपर, इसी के उपर, अगर आप देखें तो फोर पॉइंट एट तकरीबन यहां पर आती तो है तो यह जी माइल थ्री हो तो किलोमीटर फोर पॉइंट एट है यह पॉइंट हमारे पास पी फोर ठीक है अब पी फाइव हम प्लॉट नहीं कर सकते हमारे पास स्पेस नहीं है तो अगर हम इन पॉइंट को ज्वाइन कर दें आपस में ये पॉइंट जो है अगर मैं सारे यहाँ पे इनको आपस में ज्वाइन कर दूं तो ये वो ग्राफ था जो कि हमने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने जो प्लॉट करना था जो हमें रिक्वायर्ड था ये वो ग्राफ है जी जो हम यहाँ पे प्लॉट करना चाहते थे जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास y इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स एक्स को तो इसके अब आप किसी भी क्रॉस्पॉन्डिंग पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर माइल्स कितने हैं तो किलोमीटर कितने होंगे यहाँ पे देख सकते हैं माइल्स कितने हैं किलोमीटर कितने होंगे